राजस्थान की एक कहावत भी है, चलना है आपको, दौड़ना नहीं है, क्योंकि चलने में भी आप वहाँ तक पहुँच जाओगे, यदि भागोगे तो घटना हो सकती है। मेरा नाम हनुमान पटेल, जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में छोटा सा गांव एक लूनी है, वहाँ के दादा परदादाओं के हाथ की कल्चर की ज़मीन बहुत पड़ी है, पर कुछ घर की परिस्थितियाँ, कुछ मजबूरियाँ ऐसी भी होती है कि आदमी वो दिल में रखकर निकलना ही पड़ता है कि चलो, हॉस्पिटल कर्म भूमि है ये, मेरी जन्मभूमि तो नहीं है, गांव और परिवार को भी याद नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा माहौल और लोगों का रिश्ता रहा है। यहाँ का कल्चर भी मुझे बहुत अच्छा लगा सर, मेरे दो लड़के हैं, बड़ा लड़का तो महेंद्र है जो दादा दादी के पास रहता है, और छोटा लड़का हरीश है वो मेरे पास रहता है। लोगों से सुना था कि पोकर क्या था, क्या मुझे भी पता नहीं था पहले पोकर के बारे में, मैंने फ्री टूर्नामेंट स्टार्ट करते करते 50 रुपीज का टूर्नामेंट भी खेलना स्टार्ट किया था। ऐसा एक दो बार हुआ कि फ्री टूर्नामेंट में तो आया ही आया, मैं 50 रुपये के टूर्नामेंट में फर्स्ट दो प्राइज में आ गया था एक दो बार। उसके बाद में मैंने 2021 या 22 में मैंने एक और टूर्नामेंट खेला था, ये जो 5 CR का था, उसका रैंकिंग मेरा 519 या 20 कुछ ऐसा था। दुनिया के हर इंसान जो है वो पत्नी से प्यार तो करता ही, कभी लड़ाई झगड़ा वाद विवाद ऐसा हमारे बीच में कभी ऐसा हुआ नहीं, और जब भी हो जाता है थोड़ी मोटी बात तो बीच में हरीश आ जाता है, बट प्यार में तो लाइफ इज माई वाइफ। जो मैंने एंड बॉस का टूर्नामेंट 2023 का खेला था, धड़कने सर तेज हो गई थी टूर्नामेंट में, रैंकिंग 2 नंबर और पेमेंट में मुझे 78 लाख मिल गए, मतलब पोकरबाजी ने मेरी जिंदगी को एकदम एक नया मोमेंट दे दिया, नया मोड़ दे दिया। पोकरबाजी एक स्कूल के टाइप स्कूल है, कुछ सीखना पड़ेगा, राम भरोसे लगाते हो या आएगा ही नहीं, ऐसा लॉटरी गेम नहीं है सर, पोकर द पेशेंस गेम, तो आपके माइंड के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप जीतना है तो आपको पेशेंस रखना है। This game may be habit-forming or financially risky. Play responsibly.